हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। फाइनली रियलमी ने अपनी 11 सीरीज में दो नए 5G स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया। एक तो है रियलमी 11 5G, दूसरा है रियलमी 11X 5G। आज की स्टूडियो में बात करेंगे यहाँ पर रियलमी 11 5G स्मार्टफोन के बारे में, क्या कुछ आपको एक्जैक्टली में स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, जो प्राइस पॉइंट पर इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है, क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है, क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कंप्लीट डिटेल देने वाला मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, फटाफट से आपको रियलमी 11 5G स्मार्टफोन के कंप्लीट स्पेक्स बता देता हूँ। बिल्ड डिजाइन एंड फर्स्ट लुक की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगेन आपको बॉक्सी टाइप का डिजाइन देखने को मिलता है। बैक में सर्कुलर टाइप का कैमरा लेआउट है। दिखने में फोन काफी जबरदस्त है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको 6.72 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक IPS डिस्प्ले दिया गया है। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें, इंडियन मार्केट में टोटल दो वेरियंट में लॉन्च करा गया है। 828 से बेस वेरियंट स्टार्ट होता है, देन आपको 8256 वाला वेरियंट भी देखने को मिल जाता है। अच्छी चीज यह है कि यहां पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट यहां पर दिया गया है, साथ ही में UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X वाला रैम टाइप भी देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको MediaTek का Dimensity 6100 प्लस वाला एक 5G चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 6RM टेक्नोलॉजी बेस्ड है। एंटीटू स्कोर की अगर हम बात करें, 4 से 4.5 लाख के बीच में यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको बैक में डुअल कैमरे का सेटअप मिल जाता है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, देन 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है, जबकि 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें तो एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। रियलमी UI 4.0 पे यहां पर ये रन करता है। सेंसर्स यहां पर आपको सारे देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी मिल जाता है, बॉटम फायरिंग सिंगल स्पीकर यहां पर दिया गया है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है टाइप सी पोर्ट के साथ में। डिवाइस सपोर्ट करता है 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को एंड फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स रियलमी इंडिया ने जो आपको प्रोवाइड करा दिया है। सो गाइस, ये ओवरऑल यहां पर आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं रियलमी 11 5G स्मार्टफोन के इंडियन रिटेल यूनिट में। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, क्या कुछ प्राइस पॉइंट पर रियलमी ने इसे इंडियन मार्केट में लॉन्च करा है। जो 8GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट है, इंडियन मार्केट में लॉन्च करा गया 19,000 रुपीज में, जबकि जो 256 वाला वेरिएंट है वो आपको देखने को मिल जाता है 20,000 रुपीज में। अब क्या ये स्मार्टफोन ले या ना ले, क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, देखो सिंपली मैं सीधा सीधा आप लोगों को क्लियर कट आंसर दूंगा। देखो ये स्मार्टफोन पे प्रोज की अगर हम बात करें ना, मुझे सिर्फ डिजाइन बेटर लगा। 19,000 रुपए के हिसाब से डिजाइन आप कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट है, एंड फास्ट चार्जिंग जो 67 वॉट की दी है वो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है। उसके अलावा एक भी रियलमी ने ऐसा फीचर नहीं दिया है कि हम कह सकते हैं कि भाई रियलमी 11 5G ले लो, ये चीज इसमें बेटर है, क्योंकि आपको ना ही एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, ना ही कोई पावरफुल आपको चिपसेट मिल जा रहा है कि मतलब एकदम से तगड़ा गेमिंग या कुछ कर लोगे, ना ही आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है, ना ही यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए 4 से 5 आपको बड़ी कमियां देखने को मिल जाती है, तो बिल्कुल आप कह सकते हो एवरेज स्मार्टफोन है। हाँ, यही स्मार्टफोन अगर रियलमी बिना ऑफर के 17,000 रुपए तक के भी मैक्सिमम, जो 19,000 का प्राइस पॉइंट जो 17,000 रुपए भी रखते हैं बिना ऑफर के, मैं बात करो यानी ऑफर वगैरह लगा के 16,000 रुपए के आसपास आता तब एक बार रिकमेंडेड भी था, लेकिन 19,000 रुपए में मार्केट में इससे फार बेटर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसके इन्फिनिक्स GT10 Pro रिसेंटली लॉन्च हुआ, एमोलेड डिस्प्ले, बेटर चिपसेट, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट, LED लाइट्स मिल जाते हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें मिलती है। देन पोको X5 Pro आपको मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 778G, एमोलेड डिस्प्ले, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट, वहां पर भी सारी चीजें बेटर है। टेक्नो कैमोन 20 प्रो आपको देखने को मिल जाता है। तो 19,000-20,000 रुपए में इतने बढ़िया स्मार्टफोन आपको मिल रहे, तो आप रियलमी 11 5G को क्यों परचेस करोगे, समझ के बाहर है। तो ये स्मार्टफोन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं। हाँ, मैं बोलूंगा BBD सेल का वेट करो, अगर ये 15-16,000 रुपए के आसपास ऑफर वगैरह लगा के आ जाता है देन डेफिनेटली देख सकते हो, 19,000 रुपए में रिकमेंडेड नहीं है। वैसे कैसा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, रियलमी 11 5G स्मार्टफोन कैसा लगा, प्राइस पॉइंट कैसी लगी, क्या आप ये स्मार्टफोन के साथ में जाओगे नहीं जाओगे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि उसको उतना ही होगी, एंड कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।